friend, Dr. Dhramveer Gandhi. भारत के कोने कोने से इस हुम्मस भरे माहौल में, बरसात में, गर्मी में अनेकों दिक्कतें झेलते हुए पहुंचे मेरे किसान भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, मंच पे विराजमान इस महान अभियान के जो रचयिता हैं, जो चलाने वाले हैं, जो ये संकल्प लेके आए हैं कि हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान के खेतीहर मजदूरों की मांगों को बुलंद करने के लिए ठोस रूप देकर हमें सरकार के सामने, इस देश के सामने रखना होगा। मंच पे विराजमान सभी वो महान भावों को मैं नमस्कार करता हूँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं सुबह 4:30 बजे अबटारा से चला, रात थी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्वेश्चन आंसर डाले जाते हैं, सवाल डाले जाते हैं पूछने के लिए 12 बजे जीरो आवर के लिए। तो मैंने 8:30 बजे आकर इस अपनी यात्रा के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में आके सवाल डाल दिया। वो तो मुझे 12 बजे के बाद मैंने बोलना था, परंतु 12 बजे पूरे सदन भंग हो गई और मैं बात छोड़कर यहाँ आ गया आपके बीच में। नहीं तो आज आपकी सभी मांगे, किसानों को सभी मांगे, किसानों के सभी मसले जिन पे हम संघर्ष कर रहे हैं, वो आज मैं लोकसभा में आपकी तरफ से उठाने वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले सदन में मैं आपको लोकसभा की जो संरचना है, जैसे लोग बैठे हैं, जो उनकी मानसिकता है, वो बताना चाहता हूँ। हमने पूरा आधा दिन किसान समस्या को चर्चा के लिए रखा कि आज किसानों की आत्महत्याएं और जो किसानों के दुख हैं उन पे चर्चा होगी। जो भी किसान, जो भी लीडर उठता, चाहे वो मुलायम का भतीजा हो, चाहे वो चितारा जी का पोता हो, चाहे वो देवेगौड़ा जी हो, और चाहे वो और कोई लीडर हो किसी देश राज्य का, सभी ने अपना भाषण यहाँ से शुरू किया कि हम भी किसान के बेटे हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, सबसे पहले मुझे इस बात पे इतराज है कि जितने लोग मेरे से पहले बोले हैं ये किसान के बेटे नहीं है। ये अकेले जमीन पे निर्भर नहीं है, इनकी गन्ना मिलने हैं, इनके शेडर हैं, इनके पेट्रोल पंप हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट है, इनका बिजनेस है, इनके कारखाने हैं। ये किसान की राजनीति करते हैं, ये किसान नहीं है। और हमारे देश की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि किसान की नुमाइंदगी लोकसभा में, राज्यसभा में बड़े बड़े भूमिपति और बड़े बड़े कारखानेदार करते हैं, और मजदूर की नुमाइंदगी भी बड़े बड़े भूमिपति और बड़े बड़े कारखानेदार करते हैं। और ये चित्र हमारी लोकसभा का, मैं आप सबको इस समय पर बधाई देता हूं। मुझे जनता का विशाल समुंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपका समर्थन करने लिए नहीं, आपसे अपनी एक सहमति, एकजुटता का प्रगटावा करने के लिए आया हूँ पंजाब के किसानों की ओर से। अभी जब पंजाब में से जो मार्च निकला था, जो जय जवान काफिला निकला था, तो पंजाब के लोगों ने खूब जी भर कर इसका साथ दिया, समर्थन दिया। आज भी पंजाब से बोलते देख सकते हैं सैकड़ों हजारों किसान इसमें शामिल हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से कि जब भी किसानों के मुद्दे पे, आपकी दिक्कतों पे मन के विस्तार में नहीं जाना चाहता। सभी वक्ताओं ने विस्तार में चर्चा की है किसानी के बारे में, किसानी मुद्दों के बारे में, और विषय की जो रूपरेखा है वो भी तय की जाएगी कि कैसे हमने इस आंदोलन को एक देशव्यापी आंदोलन बनाना है, और दूसरे जो संघर्षशील तबके हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक विशाल आंदोलन खड़ा करना है जिसके सिर पर इस सरकार को, इस सत्ता को चुनौती दी जा सके। कैसे किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए नीतियाँ बनाए, ना कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए नीतियाँ बनाए। इसलिए मैं इसी सत्र में फिर दोबारा आपसे वादा करता हूं कि मैं किसानी के सभी मुद्दे, आत्महत्या तो उसकी चरम सीमा है, उससे पहले जो उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा यातायात,
यातायात की सुविधाएं, अच्छा रोजगार, अच्छा बचपन उनके बच्चों के लिए, उनके लिए अपने अच्छा बुढ़ापा, अच्छी पेंशन, जितने मुद्दे हैं, मैं लोकसभा में एक बार फिर दोबारा आज का मार्च है, यहाँ से प्रेरणा लेकर पूरे जोर से संसद में उठाऊंगा और आपकी आवाज भरूंगा। अंत में बहुत बकता है, मैं एक हिंदी के क्रांतिकारी कवि बली सिंह चीमा, उनकी सारी कविता छोड़कर पहला और आखिरी दो पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, बिन लड़े मिलता नहीं कुछ ये सच्चाई जान कर, बिन लड़े मिलता नहीं कुछ ये सच्चाई जान कर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, इंकलाब जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, भूमि अधिग्रहण बिल रद्द करो, भूमि अधिग्रहण बिल रद्द करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, गरीब लोगों की एकता जिंदाबाद, पूंजीपतियों की जागीर नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है तुम लोगे, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, सारा बोलिए, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, बहुत धन्यवाद साथियों। में एक सुंदर काम होने जा रहा है भाई, डॉक्टर धर्मवीर गांधी को